हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आयुषी अग्रवाल। आज का वीडियो लिप्पन आर्ट पे है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 12 इंचेस का MDF बोर्ड लिया है। सबसे पहले सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने MDF के साइज़ का ही न्यूज़पेपर लिया है। उसको फोर फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर पे कट लगाएंगे। ये जो सेंटर वाला कट है, यही अपन का सेंटर पॉइंट है। इसको खोल के वापस से अपन MDF के ऊपर बराबर से प्लेस करेंगे और फिर उस होल से सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट पे थोड़ा सा डिक कर लेंगे, जिससे राउंडर से जब अपन सर्कल बनाएं तो राउंडर खिसके नहीं। यहाँ पे मैं इवन साइज के लिए 3D आउटलाइनर के कैप का यूज कर रही हूँ। लिप्पन आर्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने की कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो पे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। डोम शेप के लिए मैंने पेपर पे शेप कट कर लिया है और फिर उससे ट्रेस कर रही हूँ। इससे सारे डोम्स इवन आते हैं। अल्टरनेटिवली आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके ग्रिड्स मार्क करके और फिर उसकी हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लिप्पन आर्ट में जितना परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे, उतना ही परफेक्ट और सुंदर रिजल्ट आएगा। अब हम फेविक्रिल मोल्डेड लेंगे। इसमें दो स्लैब्स होते हैं, इपॉक्सी और हार्डनर। मोल्डेड की वर्किंग टाइम अप्रॉक्स 30 मिनट्स होती है, तो हम क्ले उतना ही मिक्स करेंगे जितना हम 30 मिनट्स में इजीली बना पाएँ। मोल्डेड स्टिकी नेचर का होता है, तो इसकी स्टिकनेस को अवॉइड करने के लिए हम बीच बीच में टैल्कम पाउडर स्प्रेड करते जाएंगे। मैं क्ले मिक्स करके अप्रॉक्स 5 मिनट के लिए हार्ड होने को छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर क्ले को रोल करना शुरू करेंगे। मैं MDF बोर्ड से रोल कर रही हूँ। किसी भी फ्लैट ऑब्जेक्ट पे टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल करके इवन और लाइट प्रेशर से रोल कर सकते हैं। ये देखिए, बनी है ना परफेक्ट कॉइल। अब वापस से MDF बोर्ड पे चलते हैं और उस पर लगाएंगे ग्लू। कोई भी वाइट ग्लू, फेविकोल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्ले में डिटेलिंग देने के लिए आपको कोई भी टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पड़ी चीज़ों से ही डिटेलिंग दे सकते हैं, जैसे कि रिफिल, कटर, स्केल, चाकू। क्ले की कटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी परफेक्ट कटिंग करेंगे स्पेस के हिसाब से, उतना ही परफेक्ट आपका वर्क दिखेगा। पुराने ब्रश से इधर उधर से झांक रहे एक्स्ट्रा फेविकोल को साफ करते जाएंगे और ये रेडी हो गया हमारा लिप्पन वर्क। अप्रॉक्स आधा घंटा इसे सूखने देंगे। अब वाइट एक्रेलिक कलर से बेस कोटिंग देंगे। जैसो की नीड नहीं है क्योंकि MDF ऑलरेडी स्मूथ रहता है, तो वाइट एक्रेलिक कलर इज इनफ। मैंने फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। बेस कलर जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ही मेन कलर्स करेंगे। यहाँ मैं ब्लू के शेड्स में कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। ब्रश को सारे डायरेक्शंस में रोटेट करके कलर फिल करेंगे। जहाँ डबल कोट की नीड लगेगी वहाँ पे डबल कोट करते जाएंगे। और स्पंज का यूज़ कर सकते हैं अगर ब्रश स्ट्रोक्स ज़्यादा आ रहे हैं तो। इन कलर्स के अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने वाइट एक्रेलिक कलर किया है क्ले वर्क पे।
कलर को रनी बनाने के लिए थोड़ा सा मीडियम ऐड करेंगे वाइट कलर में। मीडियम ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मीडियम की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो वाइट कलरिंग वाला पार्ट है इसको एकदम आराम आराम से करेंगे जिससे हमारा वर्क क्लीन दिखे। सारे कलर्स के अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने वार्निश किया है। अब बारी है लिप्पन आर्ट के मेन वर्क की, जैसे कि इस आर्ट में चार चांद लगते हैं। तो शुरू करते हैं मिरर वर्क। वार्निश करने के बाद ही ग्लास वर्क किया जाता है जिससे वार्निश से ग्लास की जो शाइन है वो इफ़ेक्ट ना हो। मिरर्स लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ग्लू भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो साइड से निकल जाता है और फिर सूखने के बाद अच्छा नहीं दिखता है। डिज़ाइन के हिसाब से मिरर्स प्लेस करते जाएंगे। सारे मिरर्स मैंने प्लेस कर लिए हैं और अब डॉटिंग टूल की हेल्प से या फिर टूथपिक और रिफिल का यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से डॉट्स रखेंगे जहाँ जहाँ खाली दिख रहा है। और ये हो गया डॉटिंग पार्ट भी कंप्लीट। अब चलते हैं सेंटर पार्ट में जो कि अभी वैकेंट है। यहाँ पे मुझे फ़ोटो पेस्ट करना था इसलिए अभी उसे खाली छोड़ दिया था। सो लास्ट में फ़ोटोग्राफ पेस्ट करेंगे और फिर फोटोग्राफ की बॉर्डर को कवर करने के लिए फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। 3D आउटलाइनर की जगह इस स्पेस को कवर करने के लिए ग्लास भी पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये कस्टमाइज्ड लिप्पन आर्ट मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।